सबसे पहले आप सबको और आपके फैमिली को बिलेटेड हैप्पी दशहरा और बंगाली फ्रेंड्स लोग को शुभ विजया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को। तो आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो अपडेट आने वाला 3.5 का, जो विंटर थीम मोड आने वाला, उसका पहला फेज का अपडेट हम लोग के पास आ चुका है। तो आज हम लोग उसका प्रीव्यू देखने वाले हैं। हालांकि उतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारा चेंजेस, बग्स एंड ग्लिचेस भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो जो मेन मेन चीज़ है वो हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो इससे पहले कि मैं आपको पूरा थीम गेम प्ले दिखाऊं, हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एक्सूट के बारे में। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। तो आपको पता है बीटा वर्जन में चार फेज में अपडेट आता है, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री एंड फेज फोर। तो अभी करेंटली जो फेज वन का अपडेट आया उसमें न्यू कोई भी एक्सूट आने का संभावना नहीं है। कोई भी न्यू एक्सूट का फाइल्स गेम के अंदर डाला गया नहीं है। तो इसका मतलब चांसेस कम है कि इस अपडेट में आपको एक्सूट देखने को मिलेगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो गेम वाला होता है ना वो थीम के बेसिस में चलता है। तो हो सकता है कि अभी करेंटली कोई विंटर थीम का एक्सूट वो लोग लॉन्च करना नहीं चाहते कि ऑलरेडी विंटर थीम का एक्सूट अवेलेबल है। और हो सकता है कि जनवरी में जो हम लोग का गोल्डन मून का जो थीम मोड आने वाला उसमें एक एक्सूट वो लोग लॉन्च करें वो थीम से। कुछ भी एक्चुअल जेन्युइन अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे हम मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग थीम मोड के अंदर आते हैं। तो अभी थीम मोड का जो रियल नेम है वो निकल के नहीं आया, तो हम लोग इसको ग्लेशियर मोड अभी करेंटली बोलते हैं। तो ये ग्लेशियर जो मोड आया ना, थोड़ा बहुत जो अभी हेलोइन मोड आया है ना उसी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया। देखो एग्जैक्टली नहीं है बट कॉन्सेप्ट कुछ कुछ चीज़ आपको सिमिलर देखने को मिलेगा दोनों मोड में, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले पीओवीज का बात करेंगे, उसके बाद जो मेन एबिलिटी है उसका बात करेंगे और उसके बाद इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप गेम में लोड करोगे तब ये लॉबी में ड्रॉप इन हो जाओगे। तो इधर आप देखने को मिला थोड़ा बहुत फ्रोजन वाला आपको वाइब्स देखने को मिला, और उस तरफ पीएमजीसी का एक हैदरक। तो आपको पता है ये केवल पबजी वाल के अंदर ही देखने को मिलेगा पीएमजीसी वाला, बीजीएमआई के अंदर ये वाला नहीं देखने को मिलेगा, जस्ट विंटर वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आप प्लेन में बोर्ड हो जाओगे तो ये वाला मैप आपको देखने को मिलेगा। इसमें काफी सारा चीज जानने को है मिल्टा पावर में एंड क्वेरी में। तो हमेशा स्टेल्वर में वो लोग यूज करते हैं, तो इस बार विंटर मोड में ये लोग स्टेल्वर यूज नहीं किए, इस बार ये लोग मिल्टा पावर को यूज किए हैं और क्वेरी में आपको देखने को मिला। और इसका नाम रखा गया है ग्लेशियर ट्राइब। तो जैसे ही आप ग्लेशियर ट्राइब में उतरोगे तो पहले तो वेदर चेंज हो जाएगा, और इसमें सबसे मेन जो अट्रैक्शन है वो आप देख पा रहे आइस ड्रैगन का स्टैचू आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले तो आप देख पा रहे काफी सारा छोटा छोटा आइस हट आपको देखने को मिल रहा। तो उधर आपको भर भर के लूट मिलेगा, काफी बंदे इधर उतरने वाले। हालांकि अभी करेंटली जब मैं ये मोड अभी खेल रहा हूँ, देखो ये बीटा का पहला फेज जैसे बताया, तो अभी इसमें कोई भी मुझे एक्स्ट्रा रिकॉल नहीं मिला है, ठीक है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा रिकॉल नहीं मिला, तो हम लोग एक येलो कलर का हट मिल जाता ना, बट अभी करेंटली पहला फेज का बीटा में कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा हेल्थ नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि अभी अगर मैं मर जाता हूँ तो या तो कोई रिकॉल करेगा तभी मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। ये अभी सिचुएशन है करेंटली, बाद में इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है, इसलिए बताया कि बाद में हम लोग को काफ़ी सारी चीज देखने को मिलेगा। बीच में कोर में आपको देखने को मिलेगा एक आइस ड्रैगन स्टैचू वाला, ठीक है। ये स्टैचू वाला जो आइस ड्रैगन जो है ना वो थोड़ा देर बाद एक्टिव भी हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, और उसके बाद ये भाग भी जाएगा। तो आपको टाइमर दिखाई दे रहा है राइट साइड में, तो जैसे टाइमर खत्म हो जाएगा ना तो आपका ये जो ड्रैगन है ना ये एक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद ये दो तीन बार रोटेट करेगा। इस टाइम ये आपको डैमेज नहीं देगा, ये जगह में आपको कोई भी डैमेज ये नहीं देगा, बस ये उड़ते हुए दिखाएगा आपको और ये प्लेटफॉर्म को वो छोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। बट आप देखोगे नीचे बॉटम साइड में तो आपको पता है कि स्पेशल क्रेट मिलता है, तो इसके अंदर भी एक आइस क्रेट मिल जाएगा। तो जैसे ही ये आइस क्रेट को आप ओपन करोगे टाइमर खत्म होने के बाद, आपको काफ़ी अच्छा अच्छा लूट मिलने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मैजिक क्रिस्टल रिस्पॉन कार्ड, जैसे आपको पता है एज यूजुअल चार रिस्पॉन कार्ड मिल जाएगा और टोटल आठ मिलेगा, क्योंकि ये दो हम लोग का ये ग्लेशियर ट्राइब को मिल रहा है। तो ये तो स्पेशल कार्ड है, बाकी का लूट और ये मोड के लिए एक्सक्लूसिव दो तीन इक्विपमेंट भी है, तो उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट ये कुछ चीज़ें आपको ये वाला बोल सकते हो क्रेट में मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल ग्लेशियर ट्राइब में इतना ही कुछ इन्फॉर्मेशन अभी निकल का है, इसमें कोई भी बाद में चेंज होगा तो मैं बाद में बता दूंगा। तो इसका कोई नाम निकल के नहीं आया, तो चलो हम लोग इसका नाम अपने से रख देते हैं ग्लेशियर पार्क। तो ये जो ग्लेशियर पार्क होने वाला है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह होने वाला है आपको, ये ग्लेशियर पार्क जहाँ तक सब जगह देखने को मिल ही जाएगा। उसके साथ साथ जैसे आप उसमें उतरोगे ना तो भाई इसका लुक तो नेक्स्ट लेवल है ही, उसके साथ साथ इसमें हिडन काफ़ी सारा चीज़ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिडन चेस्ट। तो आपको काफ़ी सारा जो फ्रोजन आइस होगा ना उसमें आपको देखने को मिलेगा पिलर के सामने। तो जैसे आप इसमें फायर करोगे ना तो वो उसके अंदर आपको चेस्ट देखने को मिलेगा, वो चेस्ट जैसे खुलेगा तो आपको अच्छा खासा लूट मिलने वाला है। तो ये आपको जो पार्क है ना इसमें काफ़ी सारा ऐसा एरिया देखने को मिलेगा जहाँ फ्रोजन वाला आइस आपको दिखाई देगा, उसको तोड़ोगे तो आपको अच्छा खासा लूट उधर से मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर में तो भर भर के लूट मिलेगा, बट जो मेन सीन है ये आइस पैलेस का वो है बॉटम में। जी हाँ, ये अपडेट में भी आपको जमीन के अंदर जाने का मौका
मौका मिलेगा। तो एक्चुअली ये आइस पार्क के अंदर एक बोल सकते हो आइस माइन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कासल छुपा हुआ छोटा सा, ठीक है। तो ये आइस माइन जाने के लिए वैसे तो आपको मेन डोर तो देखने को मिल ही जाएगा, बट अगर आप डोर से नहीं जाना चाहते, सबका नज़र डोर में रहता ही है, तो आपको काफ़ी सारा पैचेस देखने को मिलेगा, बोल सकते हो वीक आइसेस का, उसको आपको जस्ट तोड़ना है और आप एक टनल बन जाएगा, उसके अंदर टनल से अंदर जाके आप आराम से कोई भी जगह अंदर घुस सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे कॉन्सेप्ट लगा, मुझे काफ़ी पसंद आया ये चीज़। और जैसे आप इसके अंदर चलते हो तो पूरा आइस केव या आइस माइन देखने को मिलेगा, जहाँ आपको सॉलिड आइस काफ़ी सारा देखने को मिलेगा और फ्रोजन आइस जो है इसमें भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप फायर करोगे तो काफ़ी सारा लूट मिलेगा। उसके साथ साथ बीच में आपको एक कासल भी देखने को मिलेगा, छोटा सा कासल दिख रहेगा, तो उसमें जाओगे तो उसमें भी भर भर के चेस्ट मिलेगा, मतलब नीचे भी भर भर के लूट है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लूट का कमी नहीं होने वाला, ये मोड में भर भर के लूट मिलना ही है, स्पेशल इक्विपमेंट सब कुछ आपको मिलने वाला है। ऑलमोस्ट इसमें भी अगर डायरेक्टली कोई कूदता है ना, तो पूरा स्क्वाड का लूट आराम से मिल जाएगा। और अभी करेंटली बीटा वर्जन में ये आइस पार्क जो है ना इतना सारा है कि बोलो मत, सब स्क्वाड का लूट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कुछ क्वांटिटी घटा दिया जाएगा आगे जाके। इसका नाम ये लोग फ्रोस्ट बॉन्ड्स लिखा हुआ है, तो एक्चुअली इसमें अंदर भी बोल सकते हो छोटा सा ये ट्रेजर हंट इवेंट है, जिसमें आपको ऊपर एक ब्लू क्रिस्टल देखने को मिलेगा, जितना भी ब्लू क्रिस्टल है ना उसका नीचे आपको जाना है और ओपन का ऑप्शन आएगा। टोटल 6 या 8 बोल सकते हो ब्लू क्रिस्टल रहेगा, तो इसको ओपन करना होगा, और कोई कोई ब्लू क्रिस्टल को अगर आप ओपन करोगे तो आप ऑटोमेटिकली स्नोबॉल में कन्वर्ट हो जाओगे। जी हाँ, ये मोड में आप स्नोबॉल भी बन सकते हो कुछ देर के लिए, और अपने आप को स्नोबॉल बन के एक खुद को एक व्हीकल जैसा बना सकता है। अगर कोई व्हीकल वहीकल नहीं मिल रहा तो आप खुद को स्नोबॉल बना के, जैसे हम लोग बीजीएमआई के अंदर तो वो मोड आया नहीं था फुटबॉल वाला, बट पबजी के अंदर जो फुटबॉल वाला मोड आया था ना, उसमें आप खुद फुटबॉल बन सकते थे, तो वैसे ही ये स्नोबॉल में आप कन्वर्ट कर सकते अपने आप को और आप इधर से उधर जा सकते हो, ठीक है। टोटल ये 6 या 8 क्रिस्टल को तोड़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म से एक क्रेट निकल के आएगा और ये क्रेट को आप लूट कर सकते हो। ये छोटा सा मिनी गेम आपको देखने को मिलेगा और इसको आप फायदा उठा सकते हो, लूट निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअली दिसंबर मंथ में देखने को मिलेगा, जब हम लोग का क्रिसमस हॉलीडे वीक आएगा, तो इसमें हम लोग को स्नोई वैली देखने को मिल जाएगा जगह जगह। ये जगह में जाओगे तो क्रिसमस हट देखने को मिलेगा। अब देखो ये जो जगह है ना काफ़ी सेफ है, क्योंकि मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपके हाथ में अगर गन है तो आप इसके अंदर एंट्री नहीं ले सकते। जी हाँ, आपको सिंपली गन को पीछे रखना है, खाली हाथ रहना है, जैसे आप खाली ऑटोमेटिकली एंटर ले लोगे, एंटर जैसे लोगे तो एनिमी भी इसके अंदर एंटर ले सकता है, बट आप एक दूसरे को फाइट नहीं कर सकते, एक दूसरे को मार नहीं सकते, बट टाइम स्पेंड कर सकते। जी हाँ, क्योंकि क्रिसमस के अंदर ये आप फाइटिंग नहीं कर सकते इसके अंदर, इसलिए ये काफ़ी प्यारा जगह है। इसके अंदर आप पूरा स्क्वाड के साथ जा सकते हो, स्क्वाड के साथ जाओगे, सेल्फी ले सकते हो, खाना खा सकते हो, हॉलीडे वीकेंड में जैसे होता है ना, वो सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इवन विशेस भी मांग सकते हो, एक साथ 4 बंदे विश करोगे तो अच्छा लूट मिलेगा, सोलो विश करोगे तब भी लूट मिलेगा, बट एक साथ 4 बंदे तो और अच्छा लूट मिलेगा। तो इस तरह का विश कर सकते हो आप, कैंप फायर लगा सकते हो, कैंप फायर बोलते हैं जो भी बोलते हैं इसको, आप लिट अप कर सकते हो और आप बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर सकते हो। ये नवंबर मंथ में नहीं देखने को मिलेगा, ये बोल सकते हो दिसंबर का एंड में जब क्रिसमस वाला थीम आएगा तब आपको ये चीज देखने को मिलेगा एडिशनल। ये पोर्टल 2 तरीके से काम करता है, तो जैसे आपका गेम स्टार्ट होगा ना, तो पोर्टल कुछ गेम मैप के अंदर आपको काफी सारा पोर्टल देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल जब गेम स्टार्ट करोगे सब पोर्टल व्हाइट कलर का रहेगा, बट जैसे आप प्लेन में बोर्ड हो जाओगे तो कुछ पोर्टल ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ब्लू कलर में जैसे ये पोर्टल कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको वो उधर जाना है और जल्दी से जाना होगा, क्योंकि वो वाला जो पोर्टल है वो एक्टिवेट हो गया, व्हाइट वाला पोर्टल है वो टूटा हुआ, वो एक्टिवेट नहीं हुआ। अब ये पोर्टल के अंदर क्या है उसके बारे में अंदर बात करेंगे, बट मैं आपको बता दे रहा कि व्हाइट कलर का जो पोर्टल रहेगा जो उसमें मत जाना, उसमें जो पोर्टल है वो एक्टिवेट नहीं है, और ब्लू कलर का जो पोर्टल है वो एक्टिवेट हुआ है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो भी टूट जाएगा, ठीक है। तो वो पोर्टल में जैसे जाओगे तो आपको एक नया वर्ल्ड में लेके जाया जाएगा, तो उसके लिए हम लोग एक भी इक्विपमेंट में आते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं जैसे बताया पोर्टल के बारे में, तो ये जो पोर्टल है ये गेम खुद से भी कुछ दे देगा, बट खुद भी आप अपने से पोर्टल बना सकते हो, उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए। तो इसने बताया कि जैसे अभी करंट जो क्रिमजन मोड आया है उसमें हम लोग पोर्टल क्रिएट करते थे, हम लोग कासल में चल जाते, तो इसमें भी आपको एक हॉर्न जैसा कुछ मिलेगा, वो अगर आप क्रेट लूटोगे तो ये इक्विपमेंट आपको मिल सकता है। एक्टिवेट करोगे तो आप खुद से पोर्टल बना सकते हो, उसके लिए आपको वो लोकेशन में जाने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी पोर्टल बना सकते हो। बट इस बार क्या है, क्रिमजन वाला बॉस में क्या होता है कि आपका केवल टीम ही उसके अंदर एंटर ले सकता है और दूसरा एनिमी उनमें नहीं आता, बट ये जो है ना इसमें टोटल जितना दिखाई दे रहा 6 टीम एंटर ले सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अलग अलग जगह से एंटर लेके भी आप एक जगह आ सकते हो, तो और इसमें भी अच्छा खासा लूट, अच्छा खासा आपको इसमें सामान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लूट वूट करके आप डायरेक्टली निकल भी सकते हो, बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ चाहिए तब तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, वह है आपको आइस ड्रैगन को मारना। जी हाँ,
आइस ड्रैगन को मारने के लिए आपको जाना होगा थोड़ा सा आगे जाओगे, ऊपर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा वही आइस ड्रैगन जो उधर से उड़ा था उस टाइम, मार नहीं रहा था बट इस बार इधर ये मारने वाला है। अभी करेंटली बीटा वर्जन में ये आइस ड्रैगन काफ़ी वीक है, आराम से एक बंदा मार दे रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं दे रहा। तो आइस ड्रैगन जो है इसको आपको मारना पड़ेगा, जैसे ही आप इसको पूरा मार दे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बाय द वे आइस ड्रैगन, और इसको मार देते तो उसके अंदर जो लूट मिलेगा वो लिटरली आज तक आपने गेम के अंदर कभी नहीं देखा। मतलब गेम के अंदर तो देखा है बट ये नॉर्मल क्लासिक में नहीं देखा, मेट्रो रॉयल में देखा है। तो जी हाँ, इसके अंदर आपको लेवल 3 नहीं लेवल 4, 5, 6 में से कुछ भी हेलमेट वेस्ट मिल सकता है एंड बैकपैक भी कुछ भी मिल सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर, आपको देखने को मिल रहा अलग अलग लेवल का हेलमेट बैकपैक आपको दिखाया जाता है। ये एक स्पेशल चीज़ है जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जब आप ड्रैगन को मारोगे तभी आपको ये 3 चीज़ जो एक्सक्लूसिव चीज़ है वो आपको देखने को मिलेगा, और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये रिवॉर्ड थोड़ा सा वर्थ वाला है क्योंकि ऑटोमेटिकली आप अगर लेवल 3 से ऊपर कोई वेस्ट पहनोगे 1v1 में तो ऑलमोस्ट आप हमेशा जीत पाओगे कि आपका हेलमेट एंड बोल सकते हो वेस्ट का जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरे के कंपेयर में एमओ भी आप ज़्यादा रख सकते हो क्योंकि आपका बैकपैक का भी लेवल ज़्यादा है दूसरे कंपेयर में। ठीक है, तो ये एक स्पेशल लूट है अभी के लिए जो देखने को मिल रहा है, और काफ़ी बोल सकते हो यूज़फुल लूट है। ऑब्वियसली आपको बेनिफिट मिलेगा ये ड्रैगन मारने का, और इसको आप यूज कर सकते हो काफी अच्छा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया तो कमेंट करना कैसा लगा। ये ड्रैकुला बॉस तक काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है, टेलीपोर्ट किट दे रहा था, बाकी उसका अलावा कुछ खास उतना दे नहीं रहा था, बट एक्चुअल में ये वाला लूट ज्यादा वर्थ इट है क्योंकि ये कहीं भी नहीं मिलेगा अगर आप इसको मारते हो तो, बाहर में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा अभी के लिए बीटा वर्जन में जितना समझ आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग जब आइस ड्रैगन की बात कर रहे थे और 2 एनिमल ये वाला मोड में इंट्रोड्यूस किया गया। एक है हम लोग का, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि एलिफेंट आने वाला, तो जी हाँ ये एलिफेंट हम लोग को देखने को मिल रहा। तो एलिफेंट के अंदर 4 बंदे चढ़ सकते, जो ड्राइव कर रहा वो फायर नहीं कर सकता, बाकी 3 बंदा फायर कर सकता ऊपर से। और एलिफेंट को अगर ओपोनेंट एलिफेंट में आता तो इसका मैं एक लूज पॉइंट बता देता हूँ, एलिफेंट को अगर फ्रीज कराना या एलिफेंट को डैमेज कराना है तो आपको एलिफेंट का पैर में मारना है, वीकेस्ट पॉइंट उसका पैर में, लेग्स में मारना है, और जैसे आप लेग्स में डैमेज कर दो तो वो चलना बंद कर देगा, उसके बाद एनिमी को आराम से मार सकते हो। ठीक है, तो लेग्स में मारना, तो ये है एलिफेंट आपको देखने को मिलेगा, और 4 सीटर है, तो मैं इसका तो ऑलरेडी गेम प्ले आपको पहले ही दिखा दिया था, गेम फॉर पीस का है। ठीक है, थोड़ा लुक चेंज करके इसमें लाया, उसके साथ साथ हम लोग गेम फॉर पीस में लिपर्ड देखे थे, इसमें लिपर्ड तो नहीं बट उसकी का कॉन्सेप्ट का टाइगर डाल दिया है, तो ये वाला टाइगर आपको देखने को मिला। ये टाइगर 2 सीटर होने वाला, अब ये टाइगर का अच्छा बात ये है ये काफ़ी स्पीड चलता और इसमें आप ड्रिफ्ट भी कर सकते हो और स्प्रिंट भी कर सकते हो, और चलाते चलाते भी आप गोली मार सकते हो, ड्राइवर भी इसमें बंदूक यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा चीज मुझे लगा। तो ये आपको 2 एनिमल और देखने को मिलेगा, ये लोग कोई हार्म नहीं करने वाला, जैसे ड्रैगन वो मारने वाला, बट बाकी 2 एनिमल आपका एक ट्रांसपोर्ट जैसे काम करने वाला, एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन लेके जाएगा और इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एनिमल सब भी समझ में आ गया। अब इक्विपमेंट का बात कर लेते हैं, एक इक्विपमेंट तो आपको दिखा दे जिससे पोर्टल हम लोग बनाए, सेकेंड इक्विपमेंट है कि ये भी आपको क्रिसमस के टाइम मिलेगा, इसमें आप फायर क्रैकर्स उड़ा सकते हो क्रिसमस के टाइम, अभी के लिए तो ये केवल ऐसे ही यूज हो रहा है, बाद में नहीं पता इसका यूज क्या है। और 2 और इक्विपमेंट है, एक इक्विपमेंट है हम लोग का थॉर का हैमर, आइस वाला भाई, एक मिली वेपन बोल सकते हो, वो काफी अच्छा है, उसको आप यूज कर सकते हो बंदे को मारने के लिए मिली वेपन के लिए, और इसमें हैवी डैमेज भी आप दे सकते हो जब आप इसको पकड़ते हो, तो इसमें एक पावर आता है और ऑटोमेटिकली आप किसी के ऊपर उस पर चला सकते। हालांकि इसका भी उतना डैमेज नहीं है, बहुत टपक नहीं रहा है एक हिट में, तो 2-3 हिट आपको इसको मारना पड़ेगा, बट ये एक पहला इक्विपमेंट है हैमर वाला जिसको आप यूज़ कर सकते हो मिली वेपन की जगह में, और इसका एक स्पेशल एबिलिटी है, इसको आप होल्ड करके पावर अप कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड जो है जिसका मैं थोड़ा सा प्रीव्यू कल वाला वीडियो में दिखाया था वो है भाई, इसको पोला भाला स्पेयर कुछ भी बोल सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ये वन टाइम यूज़ है एक्चुअली, ये रैंडमली कहीं भी मिल जाएगा आपको, किसी भी जगह का टारगेट करके मार सकते हो, डैमेज दे सकते हो, हालांकि इसमें भी अभी उतना डैमेज नहीं है, और ये जो मिनी वेपन है ना, ये जैसे एक बार यूज़ कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जा रहा है। मतलब इसमें क्या है कि हैमर में क्या है कि आप यूज़ करो आपके पास ही रहेगा, बट ये जो स्पेयर में आपको दिखाया ना, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जा रहा है जैसे एक बार इसको यूज़ कर रहे हैं। थर्ड जो चीज़ है ना वो है कि हम लोग का न्यू पोशन होने वाला है। एक्चुअली ये पोशन का काम आपको पता है, पोशन का काम क्या होता है, ये हेल्थ प्लस जो बोल सकते बूस्ट है दोनों एक साथ बढ़ा देता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। बड़े बड़े मेडिकिट को फेंक के ये वाला पोशन को उठा लेना, क्योंकि ये आपका हेल्थ तो बढ़ाता है ये जल्दी, उसके साथ साथ आपका बूस्टर फुल कर देता है। तो एडिशनल आपको जो लैपटॉप है या एडिनिल जो सीरिंज है
वो उठाने की जरूरत नहीं, उसके जगह अगर आप पोर्शंस उठाते हो ना तो दोनों एक साथ काम करने वाला है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो चीज है। तो करेंटली जितना मैं खेला हूँ, जितना समझ में आया, यही कुछ चीजें था जो कि मैं मेन चीज आपको दिखा दिया। अब इसके बाद जितना भी बीटा वर्जन का अपडेट आएगा ना, इसी के अंदर में रिवॉल्व करेगा। कुछ चीजें लोग बफ करेंगे, कुछ चीजें लोग नर्फ करेंगे, और उसके बाद ही कुछ चेंजेस करेंगे, तो मैं आपको इन्फॉर्म करते जाऊंगा। तो करेंटली यही हम लोग का एक ब्लूप्रिंट आ चुका है विंटर अपडेट का। कमेंट करना कैसा लगा ये विंटर अपडेट। चलिए इतना रखते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।